उन्नाव से अनमोल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कोटेदार की दब गई अंगूठा लगवा कर नहीं देता राशन। कोटेदार की दबंगई अंगूठा लगवाने के बाद भी नहीं देता है राशन, जिसकी शिकायत लाभार्थियों ने उपजिलाधिकारी बांगरनों से की है। भले ही सरकार खाद्य एवं रसद विभाग को पारदर्शी बनाने के लिए कोटेदारों से पोस्ट मशीन से राशन वितरण करवा रही हो, पर सच तो यह है कि कोटेदारों की दबंगई लगातार जारी है और लाभार्थियों से अंगूठा लगवाकर भी उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है। ताज़ा मामला उन्नाव की बांगरमऊ तहसील की ब्लापुर गांव का है, जहां के कोटेदार ने राशन कार्ड धारकों का राशन पूरी तरह से हड़प करने का मन बना लिया है और इन लोगों से मशीन पर अंगूठा लगवा कर इन्हें कई दिनों तक दौड़ाता है। जब लाभार्थी नहीं मानते तब भी उन्हें पूरे यूनिटों का राशन नहीं देता। इस कोटेदार की ऐसी दबंगई है कि इसने कई गरीबों को 18-18 महीनों में मात्र 3 महीनों का राशन ही दिया है, जिससे दहकी लोगों ने कोटेदार की शिकायत उपजिलाधिकारी बांगरमऊ से की है। क्या परेशानी है? 18 महीना तेरे हमका राशन नहीं मिलो। गांव कौन सा है? बल्लापुर दुबहा। कोटेदार का नाम क्या है? रामजी आई। अच्छा, बाप का नाम कोटेदार के? कोटेदार बाप ने पत्नी का नाम। पत्नी का नाम क्या है? राजबहादुर। क्या नाम है आपका? अवधेश। क्या परेशानी है? परेशानी का सर, वो 5 किलो राशन आता है, देता है 4 किलो प्रति यूनिट। कोटेदार का नाम क्या है? रामजी आई। गाँव का नाम? दुबहा बल्लापुर। अच्छा, और क्या परेशानी है? परेशानी यही सर है बस, और गालियाँ ही देता है बहुत। जब वहाँ जाओ उसके द्वारे, वो कम से कम 5-6 दिन दौड़ाता है तब राशन देता है। बहुत दबंगई करता है, गाली देता है और सबको, हमको नहीं सबको भी। और पैसा पैसा वो पूरे राशन के लेता है और काट के राशन देता है। 3 रुपये किलो गेहूँ देता है और वो मतलब कि चावल गेहूँ लेते हैं, वो 3 रुपये